और अब सुकमा से अगली बड़ी जानकारी, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच आज मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के कई नक्सलियों के घायल होने की खबर इस मुठभेड़ में। रेगड़गट्टा में नक्सली कमांडर मंगलू के होने की जानकारी सबसे पहले पुलिस को मिली थी। इसके बाद डीआरजी की टीम रेगड़गट्टा के लिए रवाना की गई और सर्चिंग के दौरान सुबह सुबह पुलिस की नक्सली के साथ मुठभेड़ हो गई। दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। यह आशंका थी कि नक्सली कमांडर मंगलू यहां पर हो सकता है। सहयोगी सतीश इस पर जानकारी देंगे। सतीश, क्या आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और क्या कुछ जानकारी अभी तक? हाँ जी, मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। एसपी जयंत चौहान ने बताया कि उस इलाके में रेगड़गट्टा इलाके में लगातार पूर्णतः एक कॉमेडी मंगरू है, वो अपने साथियों के साथ में होने की सूचनाएं मिल रही थी। इसके बाद आज सुबह डीआरजी की टीम को उस पर रवाना किया गया है। जैसे ही टीम उस गांव में पहुंची तो पहले से मौजूद नक्सलियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी और दोनों ओर से जो है काफी देर तक फायरिंग हुई और इस फायरिंग में 3 से 4 नक्सली घायल होने का दावा पुलिस कर रही है। साथ ही साथ इलाके की सर्चिंग की गई है और फोर्स जो है वापस कैंपो की ओर लौट चुकी है। लेकिन जैसे ही फोर्स कैंप में लौट आएगी उसके बाद ही पूरी जानकारी विस्तृत रूप से मिल पाएगी। फिलहाल जो है किसी प्रकार की हानि जो है नहीं हुई है और साथ साथ जो है नक्सलियों के 3 से 4 नक्सली घायल होने का दावा पुलिस कर रही है। निश्चित ही सतीश, और लगातार इसी इलाके में नक्सली की सक्रियता भी लगातार बढ़ना काफी चिंताजनक। हालांकि डीआरजी के जवान लगातार मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। सतीश, हाँ, वो काफी इलाका जो है काफी माओवादी प्रभावित इलाका है। सुकमा जिला मुख्यालय से करीब जो है 100 किलोमीटर दूर वाला इलाका है। उस इलाके में माओवादियों के पीछे कई सालों से दमक रही है और इसी कारण जो है डीआरजी की टीम इलाकों में उतरी गई है। डीआरजी की टीम लगातार लोगों की सर्चिंग कर रही है। जैसे ही सूचना मिल रही है उसके आधार पर जो है ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है और नक्सलियों का जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका सतीश पूरी जानकारी के लिए। और उधर सुकमा में ही सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बेजी थाना इलाके में सक्रिय थे 3 नक्सली और यहां पर सरेंडर उन्होंने किया है। सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण करते नजर आए। सरकार की नीतियों का लाभ अब उन्हें मिलेगा। साथ ही साथ पुलिस के अधिकारी लगातार ये बात कह रहे हैं कि पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जितने भी नक्सली मुख्य धारा से जुड़ते हैं उन्हें इन नीतियों का लाभ मिलता है। इन्हीं नक्सलियों को भी ये लाभ मिलेगा। पुनर्नारकोम अभियान से भी प्रभावित होकर तमाम नक्सली आए दिन सरेंडर करते हैं और अब एक और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए, मुख्य धारा से जुड़े लोगों के लिए कि 3 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। और अब बात करेंगे जगदलपुर से मिल रही बड़ी खबर की, जहां 5 से 11 जून तक